नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है? सबसे पहले हम नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ के बारे में बात करना चाहेंगे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। हर ईयरली नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। ये ग्राफ हम बना रहे हैं अमेरिका, जो आज की दुनिया में माना हुआ देश है, बहुत ही विकसित देश है। 2010 में 15.8 मिलियन लोग इस बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व थे। बिजनेस बढ़ता रहा, लोग आते रहे। 2011 में ये लोग थोड़े से कम हो गए, 15.6 हो गए। उसके बाद बिजनेस की स्ट्रेटजी बदली, गवर्नमेंट ने रूल्स अप्लाई करने लगे। 2012 में बिजनेस बढ़कर 15.9 हो गया। फिर तो इसने हर साल अपने रिकॉर्ड को हर पिछले साल से ज़्यादा ही बनाए रखा है। उसके बाद 16.8 हो गया। 2014 की मैं बात करूँ तो ये बिज़नेस इसने तेज़ी से सिर्फ अमेरिका में नहीं पूरी दुनिया में ही फैल रहा था, 18.2 हो गया। इस टाइम तक अमेरिका से निकलने वाले हर नए करोड़पति के अंदर 20-30% लोग नेटवर्क मार्केटिंग से आने लगे। 2015 में ये 20% से भी ज़्यादा चला गया। इसकी ग्रोथ टोटल 4-5 साल में 11% हो गई। अगर मैं 2015 से और सिर्फ 2016 की बात करूँ तो इसकी ग्रोथ 30% के अराउंड हो चुकी है और पूरे वर्ल्ड में ये पूरी तरह से फैल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोथ बहुत, कुछ लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ही ख़राब बिजनेस समझते हैं, इसको लाइफ ना देने वाला बिजनेस समझते हैं, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि कंपनियाँ स्टार्ट होती हैं, लोगों के पैसे लेके भाग जाती है, कंपनियाँ बैन हो जाएगी कुछ टाइम चलने के बाद, उसके बाद हमारा जो फ्यूचर है वो पूरी की पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी अपना फ्यूचर नहीं डालना चाहता। तो इस बारे में जो लोग इस तरह से सोचते हैं, उन लोगों को मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। एवोन जो एक बहुत ही पुरानी कंपनी है, यूएसए बेस्ड कंपनी है, हर्बल लाइफ के बारे में आपने सुना होगा, लिविंग प्रोडक्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट ये अप्लाई करती है। एमवे के बारे में तो सब लोगों ने सुना ही होगा, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी। एवोन 1886 से चल रही है, हर्बल लाइफ 1980 से चल रही है। हो सकता है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो, या हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी हो, आप किसी भी बिजनेस में हो सकते हैं, किसी भी जॉब में हो सकते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, अगर आप जॉब में हैं तो जॉब एक बहुत ही आसान तरीका है, आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। जॉब के अंदर आप आराम से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। कहीं भी जॉब करने के लिए आपको 9-5 बजे तक अपना टाइम देना पड़ेगा और ये शेड्यूल आपका तब तक रहेगा जब तक आप जॉब करना चाहते हैं। जॉब के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आपको मिलती है, जैसे कि सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आपको इस चीज़ की मिलती है कि आपकी जॉब सलामत है और आप उसके अंदर काम करना चाह रहे हैं तो एक फिक्स अमाउंट में सैलरी आपको हर महीने मिलती रहेगी। उसके बाद आपको अपनी जॉब तब तक रिटेन करनी है जब तक आप उसको करना चाहते हो। आपको पोस्ट भी चेंज करनी पड़ेगी और अपना काम भी चेंज करना पड़ सकता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आपको हर साल इंक्रीमेंट देगी और हर साल आपको बोनस देगी। आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं, ये सब चीज़ें पा सकते हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं या अपना बिजनेस खुद कर रहे हैं, तो बिज़नेस के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक फ्रीडम होता है कि आप किस तरह से अपना बिज़नेस करना चाहते हो। मान लेते हैं आप बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप बिज़नेस करना चाह रहे हो लेकिन बिज़नेस की स्ट्रेटजी और बिज़नेस के रूल आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले आप मान लेते हैं अपना बिज़नेस शुरू कर लेते हैं, अपना बिज़नेस शुरू आपने कर लिया, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है आपने किसी बड़ी कंपनी की कोई फ्रेंचाइजी ले ली, जैसे मैकडोनल्ड हो गया, रिलायंस हो गया, किसी भी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आप अपना खुद का बिजनेस कीजिए, अपने प्रोडक्ट बनाइए, चाहे किसी की फ्रेंचाइजी लीजिए, पैसा तो आपका दोनों में लगने वाला है। एक और हाई कैपिटल इनकम आपको, हाई कैपिटल आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इससे होगा क्या कि आपको ये सब करने के बाद अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो लोग हैं या आपका जो सिस्टम है वो आपको बिल्ड करना पड़ेगा। आपको कितने लोग रखने हैं, वो किस किस तरह से काम करेंगे, किसका क्या क्या काम होगा, ये सब चीज़ें आपको अपने सिस्टम को सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। उनके साथ समय देना पड़ेगा, उन लोगों पे नज़र रखनी पड़ेगी। अपने बिजनेस को समय देने के साथ साथ आपने उसके अंदर एक अच्छा खासा अमाउंट भी लगाया हुआ है, तो आपने उसका पूरी तरह से ध्यान रखना है। उसके बाद आपने उसके अंदर अपनी लिवरेज इनकम भी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। लिवरेज इनकम वो इनकम होती है जो आप अपनी कमाई के साथ साथ बिजनेस के अंदर हमेशा हर महीने एक्स्ट्रा लगाते रहते हैं। इसके साथ साथ आपको एक भरपूर समय भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ेगा। जब आपके ऑर्गेनाइजेशन चल जाए तो उसके बाद आप अपने बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग आपकी सब चीज़ों को पास कर देगी। आपको लोगों को भर्ती नहीं करना है, लोगों को रखना नहीं है, अपने सिस्टम को बिल्ड नहीं करना है, सिर्फ अपनी लिवरेज इनकम को लोगों अपने बिजनेस के अंदर लगाना है।
इसके अंदर कोई हाई कैपिटल इनकम आपको नहीं चाहिए, बस आपको समय देना पड़ेगा और समय भी आपको बहुत सारा देना पड़ेगा। अगर मैं तीनों की रिटायरमेंट की बात करता हूँ कि आप कब तक फ्री हो जाओगे, जॉब में आप कब फ्री हो जाओगे, बिजनेस के अंदर आप कब फ्री हो जाओगे और नेटवर्क मार्केटिंग में कब फ्री हो जाओगे, ये तीनों चीज़ें आप लोगों की सोच को बदल पाएंगी। जॉब के अंदर आप जब तक चाहे तब तक जॉब कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप चाहे तो एक यंग एज में अपनी जॉब स्टार्ट कीजिए और जब तक आप ओल्ड एज के नहीं हो जाते तब तक आप जॉब कर सकते हैं, जब तक चाहें। आप चाहे तो 95 तक जॉब कर सकते हैं, आप चाहे तो 60 ईयर में रिटायरमेंट ले सकते हैं। बिजनेस में आप यंग एज में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप यंग एज में ही रिटायरमेंट हो जाओ। नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप यंग एज में अपना काम स्टार्ट कर सकते हो और यंग एज में ही रिटायरमेंट आप पा लेते हो। दोनों ही कंडीशन में बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों ही अच्छे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के काफ़ी रूल्स को पास आउट कर देती है, सिर्फ आपको अपनी